कोरोना संकट काल में भारत के साथ खड़ी पूरी दुनिया, कजाकिस्तान ने भी भेजी मदद, मेडिकल सामान लेकर के दिल्ली आया विशेष विमान। कोरोना संकट के दौर में कनाडा कर रहा है भारत की मदद, कनाडा से दिल्ली पहुंची कोविड रिलीफ सामग्री। कोरोना काल में किसानों को बड़ी राहत, आज पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी होगी। पीएम मोदी किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर, योजना के तहत किसानों को मिलेंगे 2,000 रुपए। नेशनल टास्क फोर्स की आज अहम बैठक, प्लाज्मा थेरेपी के बेतहाशा इस्तेमाल को लेकर के हो सकता है बड़ा फैसला। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब कोविशील्ड के 2 डोज के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ते किया गया। पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, निजी अस्पताल की डायरेक्टर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपियों के पास से बड़े छोटे 8 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद, 50,000 रुपए में 1 सिलेंडर बेचता था आरोपी। ईद की नमाज के बीच कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, ईदगाह पर उमड़ी भारी भीड़। ईद को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं की अपील का कोई असर नहीं, घरों में रहकर ही ईद मनाने की अपील की थी। बिहार के शवों का यूपी में दाह संस्कार करने पर रोक, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद में बॉर्डर से लौटाए गए शव। गाजीपुर बलिया के बाद अब चंदौली में भी गंगा किनारे मिले आधा दर्जन से ज्यादा शव, गांव के लोगों में दहशत का माहौल। बिहार यूपी में गंगा में मिले शवों की जांच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, सभी शवों को निकालकर उनका पोस्टमार्टम करने की मांग की। फेसबुक अगले कुछ हफ्तों में भारत में कोरोना की गलत जानकारी के खिलाफ चलाएगा मुहिम, कोरोना को लेकर गलत जानकारी को फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की ग्लोबल टास्क फोर्स की बड़ी कंपनियों से की बात, भारत में कोरोना से निपटने में मेडिकल उपकरण की जरूरतों के बारे में बताया। भारत में दिसंबर तक 2 अरब वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की संभावना, कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज तैयार होगी और कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज हो जाएगी तैयार। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गई है, अगले हफ्ते उपलब्ध होने की उम्मीद, जुलाई के महीने से भारत में भी बनना शुरू हो जाएगी। भारत सरकार कर रही है फाइजर और मॉडर्ना के साथ बात, भारत के साथ मिलकर काम करने का दिया गया है सुझाव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, वैक्सीन कंपनियों पर दबाव न बनाएं, कंपनियों का मनोबल न तोड़े, वैज्ञानिकों की वजह से वैक्सीन मिली है। वैक्सीन पर ओवैसी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा सिर्फ 2 ही कंपनियों को क्यों मंजूरी दी गई, सरकार बताएं इनके पास कितनी वैक्सीन और कितने राज्यों को दे रहे हैं। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीन को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा, 12 हफ्तों बाद वैक्सीन लगाए जाने को लेकर के कसा तंज। दिल्ली में फिर एक बार 45+ वालों के लिए वैक्सीन की किल्लत, कोवैक्सीन का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा, कोविशील्ड का स्टॉक 2 दिन का बचा है। दिल्ली में कोरोना के मामले में आई कमी, बीते 24 घंटे की बात करें तो 10,489 नए केस सामने आए, 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना की तीसरी लहर के लिए महाराष्ट्र की तैयारी, मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन के तहत उद्योग समूहों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन। मुंबई में कोरोना के मामले पहुंचे 2,000 के नीचे, बीते 24 घंटे की बात करें तो 1,946 नए केस सामने आए, 68 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में आई कमी, बीते 24 घंटे में 42,582 नए मामले आए सामने, जबकि 850 लोगों की हुई मौत। मुंबई पहुंचने वाले यात्रियों पर बीएमसी की कड़ी नजर, मुंबई के सभी एयरपोर्ट को सर्कुलर भेज दिया गया है, यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हीकल की शुरुआत, राजा महेंद्रवरम अस्पताल में 2 बसों में लगाया गया सेटअप। कर्नाटक में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में आए 35,000 से ज्यादा नए केस, 161 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 30,621 नए कोरोना मामले, वही 297 लोगों की कोरोना से मौत। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बदतर हो चुके हैं, शहर से गांव में पहुंच चुका है संक्रमण। यूपी में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए केस, एक दिन में 281 लोगों की मौत। नीति आयोग ने योगी सरकार की ऑक्सीजन नीति की तारीफ की, कहा कि यूपी में ऑक्सीजन ट्रैक्टर्स की ट्रैकिंग और ऑक्सीजन अलॉटमेंट का तरीका बहुत सही। यूपी के रामपुर में 18 सफाई कर्मियों पर प्रशासन की गाज, वार्ड में बैठक से सफाई न करने की वजह से फैली गंदगी के चलते इन्हें हटाया गया। औरैया में वैक्सीन को लेकर के अफवाह, वैक्सीनेशन करने गई टीम से ग्रामीणों ने की अभद्रता, गांव वाले समझने को तैयार नहीं थे। कोरोना पर यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, टीके को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है जिससे हो रहा है नुकसान, गांव में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के वाराणसी के रामनगर सूजाबाद में गंगा किनारे मिले कई लावारिस शव, शवों की पहचान करने में जुटा है जिला प्रशासन।
कानपुर में गंगा किनारे खेरेश्वर घाट पर कई लावारिस शवों को दफनाया गया। गंगा में बहकर आए थे शव, प्रशासन ने दफन करवाया। यूपी के चंदौली से आई बक्सर जैसी तस्वीरें, गंगा किनारे 6 से ज्यादा लावारिस शव मिले, प्रशासन की टीम ने सभी शवों को दफन करवाया। कोरोना को लेकर मोर्चे पर यूपी के सीएम योगी, आगरा में पथौली गांव में जाना लोगों का हाल, कमांड सेंटर में परखी व्यवस्थाएं। यूपी के मथुरा में सीएम योगी ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, कोविड कमांडर सेंटर का लिया जायजा, कोरोना के खिलाफ की जागरूकता फैलाने की अपील। उत्तराखंड में मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के कोविड केयर सेंटर का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा, पहले कहते थे नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, अब पॉलिसी जानने को बेकरार। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में संक्रमित हैं पुलिसकर्मी, अब तक कुल 1918 पुलिसकर्मी आए संक्रमण की चपेट में, 2 पुलिसकर्मी की हो चुकी है मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,775 नए मामले सामने आए, वहीं 19,425 लोग डिस्चार्ज हुए। कोरोना पर मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल का बयान, कहा दूसरी लहर में कोरोना गांव गांव तक पहुंचा, लोगों ने बताया नहीं छिपा कर रखा। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 75 लोगों पर लगा एनएसए, सभी लोगों को भेजा गया जेल। एमपी के शहडोल में सीएम शिवराज ने ली क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक, टेस्टिंग बढ़ाने और दवाई की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका लगाकर जेल भेजने के निर्देश। भोपाल में महामारी के बीच अस्पताल में महापाक, कोरोना संक्रमित महिला से रेप के मामला सामने आया। राजस्थान में एक्टिव केस 2 लाख के पार, बीते 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मामले, 164 लोगों की गई जान।